जैसे हिंदुस्तान में इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं विच इज अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट क्या यूएस स्टॉक मार्केट्स में भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं और अगर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कैसे यूज करते हैं जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था ऑन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, विच इज द बेस्ट वे इन माय ओपिनियन

क्या बार बार वही स्टॉक खरीदते रहें क्या प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए या गूगल ज्यादा फेसबुक कम वगैरह वगैरह हाउ डू यू नो दिस आंसर्स सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर थ्री क्वेश्चंस दैट आर ऑफन आस्ड बाय एनी इन्वेस्टर इन एनी मार्केट एंड देन होपफुली आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू सबसे पहला अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में प्ले करना चाहते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्ले विल खेल नहीं रहे हैं। हम पैसों के साथ खेल नहीं रहे हैं। हम जेनुअनली पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं सो आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन सबसे पहला सवाल होगा कौन सा स्टॉक खरीदना है एक्चुअली उससे पहले भी सवाल होगा कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें ही क्यों हिंदुस्तान में थोड़े से कंफर्ट लेवल है पता है अंकल आंटी से पूछ के कौन सा स्टॉक खरीदना है या इंजन इंडे, इंडे, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही डाल देते हैं यूएस स्टॉक मार्केट क्यों जाएं सो so, सबसे पहला सवाल नंबर वन नंबर टू अगर जाना है तो विथ स्टॉक्स टू बाय नंबर तीन क्या वही स्टॉक्स खरीदने हैं या कोई और स्टॉक भी खरीदना है नंबर फोर अगर कोई और स्टॉक खरीदना है तो क्या उनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए कि सौ दो स्टॉक में फिफ्टी फिफ्टी कर दिए या किसी के थर्टी और किसी के सेवेंटी लेट्स आंसर दिस सबसे पहला यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ये मैं पहले भी बोल चुका हूं लेकिन फिर से दोहराने में कोई भी खराबी नहीं है मेरा बिगेस्ट रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड मेरा फिफ्टी परसेंट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स इज इन यूएस स्टॉक मार्केट वाई आई बिलीव कि इसके थ्रू मैं उन कंपनियों को टैप कर पाता हूं जो ग्लोबल है हम सब फेसबुक एमेजॉन ये सारे कंपनीज को यूज करते हैं सो वाई वुड एंड आई वॉन्ट टू बाय द स्टॉक्स ऑफ कंपनीज स्पेशली अगर वो ग्लोबल कंपनीज है सो दैट्स नंबर वन नंबर टू द पेपर वर्क एंड दर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द यू एस मार्केट हैज बिकम सुपर सिंपल अगर आप आई एन डी मनी का ऐप यूज करेंगे विच इज वॉट आई यूज फॉर माई स्टॉक इन्वेस्टिंग देन इट इज ऑल ऑनलाइन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप स्टॉक्स यूएस स्टॉक ट्रेडिंग का एक अकाउंट खोलेंगे फॉर फ्री अपने हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे एंड देन यू कैन परचेज एनी स्टॉक लिटरली थ्रू द स्वाइप एंड दैट्स इट सारा पैसा सेफ सिक्योर आपके अकाउंट में ही है आपके स्टॉक्स सारे सेफ सिक्योर आपके अकाउंट में ही है बना यू वॉन्ट टू विड्रॉ यू कैन विड्रॉ देम दो से तीन दिन शायद पाँच दिन मैंने जब मैंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है आई हैव नॉट सोल्ड एनी ऑफ माई यू एस स्टॉक्स लेकिन मुझे ये याद है कि अगर भी कभी भी विड्रॉ करना पड़ता है फॉर अदर रीजन जब मैंने विड्रॉ किए थे तो तीन से पाँच दिन में आराम से पैसा वापस आ जाता है मैंने पूरा स्टॉक मार्केट में कैसे यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं थ्रू आई एंड मनी उस पर एक वीडियो बनाया था उसको प्लीज चेक कर सकते हैं सो पेपर वर्क एंड द दर प्रोसेस हैज बिकम हैसल फ्री नंबर यू आर राइडिंग नॉट जस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स स्टॉक्स क्योंकि के प्राइस तो इंक्रीज कर रहे हैं विच इज गिविंग यू द रिटर्न यू आर ऑल्सो राइडिंग ऑन द करेंसी क्योंकि यूएस डॉलर इंडियन डॉलर के मुकाबले हिस्टोरिकली हमेशा स्ट्रॉगर ही बनी है सो यू आर एबल टू राइड दैट बेनिफिट एज वेल फोर्थ एंड द लास्ट वन इज रिस्क मिटिगेशन एंड डिवर्सिफिकेशन हिंदुस्तान के मार्केट्स में मैं इन्वेस्ट जब करता हूँ तो मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बेट कर रहा हूँ खुदा ना खासा अगर कुछ भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के हो जाता है विच मे नॉट बी पॉजिटिव आई स्टिल हैव the US मार्केट दैट विल टेक केयर ऑफ मी अगर यूएस स्टॉक मार्केट में खुदा ना खासा कुछ हो जाता है आई have the इंडियन मार्केट टेकिंग केयर ऑफ मी तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हिंदुस्तान इज सच अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल इकॉनमी नाउ that द मिक्स ऑफ US and एंड इंडिया इज अ रियली mix मिक्स फॉर माई इन्वेस्टमेंट्स

एस एन पी के जो पांच स्टॉक्स जो इंडेक्स फॉर्म करते हैं एस एन पी फाइव हंड्रेड वो खरीदेंगे देन यू आर बोरलेस ट्रैकिंग दर मार्केट पांच स्टॉक मुझे तो यूएस कंपनी ज्यादा से ज्यादा पंद्रह बताऊंगी जहां मैं स्टॉक खरीद सकता हूं पांच तो बहुत ही ज्यादा है देन द नेक्स्ट थिंग इज कौन से प्रपोर्शन में इट्स नॉट दैट अगर आपके पास हजार रुपए हैं तो पांच सौ स्टॉक खरीदने हैं तो हर एक में दो दो रुपए का स्टॉक खरीद लो नो देर इज एक्चुअली अ अ प्रोपोर्शन एंड वेटेज क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने ही उसके ज्यादा स्टॉक्स खरीदने लॉर्ड ऑफ एफर्ट आई डोंट नो हाउ टू डू दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट आई डोटों केपेबिलिटी इसलिए यू कि कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं द लास्ट थर्ड 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 well, क्वेश्चन भी आंसर कर दिया मैंने कि कौन सा स्टॉक खरीदने है? एक से तो कुछ नहीं होगा आपको मल्टीपल खरीदने ही पड़ेंगे एंड the तो तो अलग अलग ही हैं स्टॉक ए स्टॉक बी स्टॉक सी हर एक का प्रोपोर्शन इन द टोटल इन्वेस्टमेंट अलग ही होगा लेकिन क्या वो प्रोपोर्शन सेम रहता है वो भी जरूरी नहीं है गूगल का फर्ज करिए मुझे नहीं पता है बट गूगल का लेट्स से शेयर इन दस एन पी 500 3%. तो मतलब अगर हम सौ रुपए के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं यूएस मार्केट में तो हम तीन रुपए के गूगल के स्टॉक खरीदेंगे कल दो तो रुपए के स्टॉक खरीदने और वो जो एक रुपए बाकी बचेगा वो हमें कहीं और खरीदना है कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये सब कहां से आएगा ये डेटा वी डोंट नो दैट इज वाई ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय फंड्स तो जैसे हिंदुस्तान में इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि निफ्टी इज द द रिफ्लेक्शन और एस एन पी फाइव हंड्रेड तो जैसे यूएस में एस एन पी फाइव हंड्रेड है विच कि यूएस स्टॉक मार्केट कितने अच्छे से ग्रो कर रही है वैसे ही हिंदुस्तान का है निफ्टी फिफ्टी विच इज द फिफ्टी स्टॉक्स दैट कंप्राइज द बल्क ऑफ द निफ्टी इंडेक्स दैट वी हैव तो अगर वो पचास स्टॉक आपने खरीद लिए और उनके प्रपोर्शन में आप प्ले करते रहे तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट को अच्छे से मैप कर पाएंगे या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इनकी एक खास बात यह होती है कि यू कैन एक्चुअली बाय एंड सेल दीज ई टी एफ लाइक स्टॉक्स तो जैसे हिंदुस्तान में आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वो यूनिट्स होते हैं तो वो आप सेम स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते तो जब आप अगर जीरोदा यूज करते हैं जीरोदा पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हैं लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको कॉइन पे जाना पड़ेगा विच इजरोप फॉर म्यूचुअल फंड यूएस में दीज इंडेक्स फंड आर ऑल्सो ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट तो आप एक ही स्टॉक मार्केट से कंपनी के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं और ये ईटीएफ भी खरीद सकते हैं सो वॉट यू वॉन्ट इज एक्चुअली एन ई टी एफ दैट हेल्प यू इनवेस्ट इन द यूएस स्टॉक मार्केट सर पैर नहीं लगाना है कि कौन सा स्टॉक खरीदे कितना खरीदे किस प्रपोर्शन में खरीदे कोई प्रोफेशनल मेरे लिए काम कर रहा है एंड इज वट आई वॉन्ट एंड दैट इज द पावर ऑफ एन ई टी एफ इक्विबलेंट ऑफ अल फ इंडियन मार्केट इज इटीएफ इन द यूएस मार्केट विच इज एन ई टी एफ दैट अलाउज यू टू ट्रैक द यू एस स्टॉक मार्केट बहुत सारे हैं एस एन पी फाइव हंड्रेड को जो ट्रैक करते हैं मैंने जो इन्वेस्ट किया है दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन प्लीज अपनी रिसर्च करके ही करिएगा बट आई टेल यू द रीजन वाई आई एव इन्वेस्टेड इज द वैन गार्ड फाइव हंड्रेड ई टी एफ इट इज लिस्टेड एज वी ओ वू तो अगर आप किसी भी आई एन डी मनी के ऐप पे जाके वो सर्च करेंगे यू विल बी एबल टू गेट द स्टैंडर्ड एंड पुअर फाइव हंड्रेड इंडेक्स बाय वैन गार्ड द रीजन वाई आईव इन्वेस्टेड इज नंबर वन वैन गार्ड इज अ ग्रेट फंड हाउस उनके सारे फंड्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादातर बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं मार्केट को बीट करते हैं नंबर टू एक्सपेंस रेशियो हर एक म्यूचुअल फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है

बहुत कम है शायद लोएस्ट है आई एम नॉट टू श्योर चेक कर लीजिएगा विच मीन्स अगर आप सौ रुपए डालते हैं तो उसके 99.97 रुपीस इन्वेस्ट होंगे और सिर्फ तीन पैसा जो है वो वैन रखेगा अपने ऑपरेशन चलाने के लिए तो बहुत बढ़िया है मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है आई एन मनी पे एज इट इज बाइंग एंड सेलिंग इज फ्री एंड वैन भी है जो सिर्फ पॉइंट चार्ज कर रहा है तो भाई वही रख लो क्या फर्क पड़ता है आप सो दैट इज हाउ लो इट इज फिंगर एंड गो एनी वेर एल्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर मैंने पांच लाख रुपए वैन गार्ड एस एन पी जो एस एन पी फाइव हंड्रेड वैन गार्ड ई टी एफ है विच इज कॉल्ड वो उसमें इन्वेस्ट किए होते तो तीन साल के अंदर ये पांच लाख रुपए एट पॉइंट सेवन लैख रुपीज हो गए होते यही पैसे अगर मैंने 500 में डाला होता होता इज अनदर तो वो एट ग्णा ग्णा होता। और अगर यही पैसा मैंने निफ्टी फिफ्टी में डाला होता तो हमारा हिंदुस्तान का इंडेक्स है तो वो एट पॉइंट फोर फाइव लैक्स होता यू कैन सी दैट दी रिटर्न आर मोरल लेस द सेम दे आर फिनोमिनल पांच लाख का साढ़े आठ लाख इन जस्ट थ्री ईयर्स एंड

safely enjoy the appreciation of the US dollar against the Indian rupee enjoy the US market ka potential enjoy the power of not having to research ki konsa stock khareede kya by investing in ETFs and this would be the equivalent of an index mutual fund in India i hope this was useful कोई भी और सवाल हाँ एक सवाल जो लोग काफी पूछते रहते हैं टैक्सेस के बारे में तो टैक्सेस के बारे में जल्दी से बता देता हूं कि यूएस में टैक्सेस कैसे होते हैं नंबर वन जब कभी भी आप पैसे ट्रांसफर करते हैं यू आर ओनली अलाउड टू ट्रांसफर अप टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर इन अ फाइनेंशियल ईयर दिस इंक्लूड्स ऑल द मनी जो आप बाहर भेजेंगे एजुकेशन के लिए ट्रैवल के लिए किसी भी और खर्चे के लिए अगर आप हिंदुस्तान से रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर भेज रहे हैं फॉर दैट मैटर एनी करेंसी को कन्वर्ट करके बाहर भेज रहे हैं तो वो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर तक ही हो सकता है इन फाइनेंशियलियर अब टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर बहुत पैसे होते हैं इट इज क्लोज टू दो करोड़ रुपए इतने पैसे होते तो फिर बात ही क्या थी तो दैट इज द फर्स्ट थिंग नंबर टू जब भी आप पैसा वापस लाते हैं सो यू हैव टू पे वट इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो भी आपने मुनाफा कमाया है

ज लेस देन टू इस अगर वो होता है देन यू हैव टू पे योर शॉर्ट टर्म कैपिटल अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब तो उस पर बीस परसेंट नहीं है पर जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब होगी चाहे वो दस हो बीस हो तीस हो तो यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ इट इज टैक्स हाँ अगर यूएस स्टॉक्स जो आपने खरीदे हैं वो डिविडेंट इशू करते हैं तो उन डिविडेंट पे भी आपको टैक्स पे नीच इज सेम एज इन इंडिया एज वेल

टर्ड्स योर रिटर्न और इनकम टैक्स पेड ऑलरेडी दिस इज अंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि हालांकि वो पैसा आपको मिला नहीं है लेकिन आपके नाम पर दर्ज हो चुका है सो देर इज नो रीजन फॉर यू टू बी कंप्लेनिंग और टू बी फीलिंग बैड कि वो पच्चीस रुपए चले गए या वो पच्चीस परसेंट चला गया दैट इज टैक्स दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर योर नेम एंड जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे यू कैन से अ यूएस एंड इंडिया ट्रीटी कि वो जो 25 परसेंट विदहेल्ड किया गया था दैट ऑलरेडी पेड तो जितना भी मेरा टैक्स बना है उसमें से वो 25 परसेंट या जितना भी अमाउंट होगा वो निकाल के बाकी का टैक्स आपको पे करना होगा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आई एन डी मनी विल प्रोवाइड एवरी पेपर वर्क दैट यू नीड टू गेट दिस डन सारी कैल्कुलशन वगैरह जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल होती है थ्रू द एप एंड थ्रू द कस्टमर केयर बट इट इज इंपोर्टेंट फॉर यू टू रिक्नाइज कि इसके टैक्स इंप्लीकेशन क्या है i hope this is useful. i love it if you were to start your stock investing journey through indian stocks, through index funds like the nifty 50, and start your investing journey in the u.s. market through etfs, which are tracking the s&p 500, and that will be the best way. and you get the maximum possible benefits of investing in the stock market in the long run. आई होप दिस वॉज यूजफुल अंकुर को साइनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना ना भूलें हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पर वीडियोस बनाता हूं तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा